मुरदवा रेणुकूट निवासी पास्को एक्ट के दोषी चंदन स्वीपर को 20 वर्ष की सजा। आपको बता दें कि माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त चंदन स्वीपर पुत्र स्वर्गीय शंभु निवासी मुरदवा रेणुकूट थाना पीपरी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध कल दिनांक 10 अगस्त 2020 को 20 वर्ष कारावास एवं 28,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। क्या था पूरा मामला? दरअसल पीपरी की रहने वाली पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 जून 2017 दोपहर को जब मेरी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी, तभी थाना पीपरी क्षेत्र के मुरदवा निवासी चंदन स्वीपर आया और बहला फुसला कर भगा ले गया। 22 जून 2017 को ओबरा से चंदन के कब्जे से लड़की को छुड़ा कर लाया गया। पीड़ित किशोरी ने बताया कि चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और यह सिलसिला कई बार चलता रहा। इस पर पुलिस ने धारा 373, 376 अपहरण दुष्कर्म पास्को एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक के पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व गवाहों के बयान पर पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दोषी चंदन स्वीपर को 20 वर्ष की कैद एवं 28,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। वही अर्थदंड न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सोनभद्र से शिव नरेश की रिपोर्ट।